इस्लामी हिंदच्या वतीने रक्तदान शिबिराचे आयोजन. जमाते इस्लामी हिंद पातूर शाखेच्या वतीने शिफांग क्लिनिक मध्ये शुक्रवारला रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. शिबिराचा प्रारंभ दुपारी 3 वाजता करण्यात आला. या रक्तदान शिबिराला पातूर शहरातील लोकांसह तालुक्यातील लोक रक्तदान करण्यासाठी आले होते. शिबिराचे उद्घाटन हाजी सय्यद बुरहान साहेब यांच्या हस्ते करण्यात आले, तर प्रमुख पाहुणे म्हणून संतोष खुमकर, उपकार्यकारी अभियंता महावितरण, पातूर नगर परिषदेच्या अध्यक्षा प्रभाताई कोथडकर, डॉक्टर कसम मुमताज आदी उपस्थित होते. रक्तदान जीवदान आहे. आमच्या रक्तदानाने कितीतरी लोकांचे प्राण वाचतात. याचा जेव्हा अनुभव येतो तेव्हा आमची झोप उडते. त्यामुळे एखाद्या दुर्घटनेमध्ये आपले सगळे सोयरे सापडतात तेव्हा रक्त मिळण्यासाठी किती धावपळ करावी लागते तेव्हा रक्तदानाचे महत्व कळते. आपण सर्व शिक्षित व सभ्य समाजाचे नागरिक आहोत, त्यामुळे रक्तदान करण्यासाठी खूप उत्साह दिसून आला. यावेळी अधिकारी व सामाजिक कार्यकर्ते यांना उत्कृष्ट ट्रॉफी देऊन सत्कार करण्यात आला, ज्यामध्ये पातूर नगर अध्यक्ष प्रभाताई कोथडकर, संतोष खुमकर, हाजी सय्यद बुरहान, मुजाहिर ठेकेदार, डॉक्टर गाडगे, डॉक्टर कासम आदींचा सत्कार करण्यात आला. हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी अब्दुल करीम अध्यक्ष जमाते इस्लामी पातूर आदींनी परिश्रम घेतले. मानव सेवा विभाग पातूर युनिट की तरफ से आज पातूर में शिफा क्लिनिक में डॉक्टर कासिम मुमताज साहब की जेर निगरानी, उनके सुपरविजन में ये ब्लड डोनेशन कैंप और सत्कार समारंभ का की शुरुआत की गई है. इसका मकसद ये है कि प्रेषित मोहम्मद जो समस्त मानव जाति के पैगंबर बनाकर भेजे गए हैं, उनके जन्मतिथि का ये महीना माह रबीउल अव्वल के नाम से मनाया जाता है. इसके उपलक्ष्य में ये ब्लड डोनेशन कैंप लिया जा रहा है, जिन्होंने समस्त मानवता का सम्मान व सेवा की शिक्षण दी है. इसी तरह इस कैंप का उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्ता व मान्यवर अधिकारियों के सत्कार के साथ किया गया है. इसके जरिए से हमारे देश में मानव जाति, सभी देशवासी और ज़रूरतमंद और गरीब बीमारों के इलाज के लिए ब्लड डोनेशन कैंप के जरिए से ब्लड बैंक कायम किया गया है जमात इस्लामी पातूर यूनिट की तरफ से. ये मानव सेवा का एक ऐसा उपकरण है जिसके जरिए से हम मानव जाति की सेवा करना और लोगों को इसके लिए तैयार करने के लिए हमने ये मददगार साबित हुआ.